फ्रेंड्स, खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ अच्छा अच्छा ही कर रहे होंगे अपने अपने लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या है, चूल्हा। तो आज हम लोग मक्की के पापड़ बनाने वाले हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9, तो हम मक्का के पापड़ बनाएंगे इसमें। तो फर्स्ट टाइम हम मक्का के पापड़ चूल्हे पे बनाने वाले हैं। ये पापड़ है ना, हमारे मम्मा हुकम बहुत अच्छे बनाते हैं। इन पापड़ों की जो भी आता है ना, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है। तो मैं आज आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ। हमारे जितने भी मासी सा हुकम, दोनों जीजा हुकम मेरे माइक के बारे हैं, जो मम्मा हुकम हैं, दोनों मेरे जीजा हुकम हैं, और स्पेशली मोना भाई सा आप तो ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी कि भाभी सा प्लीज़ आप है ना एक ब्लॉग है ना मक्के के पापड़ का ज़रूर डालना, क्योंकि उनको मक्के के पापड़ हमारे यहाँ के बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनको भी ये रेसिपी चाहिए थी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मक्के के पापड़ बना लेते हैं। तो आज का जो पूरा वीडियो रहेगा वो मक्के के पापड़ के ऊपर रहेगा। तो प्लीज़ आप भी ये रेसिपी देखिएगा और एक बार ये पापड़ की रेसिपी, इस तरह से पापड़ जो हम बनाते हैं वैसे बनाइएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये पापड़ आप लोगों को कैसे लगे। मुझे उम्मीद है कि मतलब मुझे ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को ये पापड़ की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो बने रहिए ब्लॉग में और प्लीज़ पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मक्की का आटा है। मक्की के आटे को मैं छलनी से छानूंगी, और यहाँ मैंने धनिया भी काट लिया है। इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटा है, क्योंकि इसको भी मक्की के पापड़ में डालेंगे। और इससे क्या होता है ना, मक्की के पापड़ दिखने में भी अच्छे लगते हैं धनिया से, और स्वाद में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पानी उबलने के लिए लग दिया है भगोनी में। तो इसमें मीठा सोडा डालेंगे। मीठा सोडा इंग्लिश में जिसे बेकिंग सोडा बोला जाता है, वो डाला। इसमें अब नमक डालेंगे। मीठा सोडा डालने के बाद, नमक डालने के बाद इसमें अब लाल मिर्ची जो होती है वो डालेंगे। हरी मिर्ची नहीं डाली जाती है इसमें, सिर्फ लाल मिर्ची डाली जाती है। तो लाल मिर्ची डालेंगे। आलू के पापड़, लाल मिर्ची डालने के बाद इसको उबलने के लिए रख देंगे। जब तक इसमें उबाली आएगी उसी के बाद फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। और हमने जीरा भी डाला था, जिसका मैं शूट करना भूल गई। यहाँ पे मक्की का आटा डाल के इसको कंटिन्यूस हिलाना होता है, ताकि इसमें लम्स ना पड़े, क्योंकि यदि इसमें लम्स पड़ जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको कंटिन्यूस हिलाना होता है। तो यहाँ फिर उसको हिलाते हिलाते धनिया भी डाला है। फिर अब तो धनिया डालने के बाद उसको हिलाया है अच्छे से। उसके बाद इसमें तेल डाला है। तो तेल से क्या है, सॉफ्टनेस आती है इसमें। तो तेल डाला है, उसके बाद ये ऐसे कंप्लीट बनके तैयार होगा। तो इसे जो ये बनके तैयार होता है, इसे साजा बोला जाता है। तो राजस्थान में तेल डालकर इसको ऐसे भी खाया जाता है। मॉर्निंग में सब नाश्ता में इसको जिमना पसंद करते हैं। तो हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा बनता है, तो हम नॉर्मली भी इसको बनाते हैं ऐसा साजा, और सब जिमते हैं। तो ये हमारा साजा कंप्लीट है। इसके यहाँ से जो टेस्ट आता है, उससे पता चल जाता है कि आपके पापड़ कैसे बने हैं। तो फिर मम्मा हुकुम और मैं छत पे आ गए थे, और छत पे फिर मैंने और मम्मा हुकुम दोनों ने मिलके पापड़ बनाए हैं। तो हवा भी चलने लग गई थी, तो ऐसा बोला जाता है कि यदि हवा चलती है तो पापड़ फट सकते हैं। तो हमें वही डर था कहीं हमारे पापड़ फट नहीं जाएँ। तो फिर खैर ये फटे तो नहीं, एकाध पापड़ जरूर इसमें से कुछ हुआ होगा, फटा होगा, बाकी नहीं फटे थे, क्योंकि हवा थोड़े से टाइम के लिए ही चली थी जिसमें हम बना ही रहे थे, तो फटे नहीं थे। और गाइस, ये जो ब्लॉक है ये बहुत पुराना है, मतलब अराउंड मार्च में मैंने मक्की के पापड़ बनाए थे, 20 मार्च के आसपास। मतलब ये एक महीने पुराना ब्लॉक है, लेकिन ये ब्लॉक मेरे पास है ना बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा, मुझसे सब रेसिपी पूछ भी रहे थे, तो मैंने सोचा डाल देती हूँ आज।
अरहर की दाल, सैलेड, सेव, एक केली की चटनी बनाई है। मौसम बाकी बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत सॉफ्ट और यहाँ पर ना राजस्थान में उड़द के दाल से बनाई जाती है और गुड़ गुड़ का भी एक बनाया जाता है, उससे खाई जाती है। बना क्या बोलते हैं इसको, राब। इसमें बाटी डाल के जिमते हैं ना, बाटी को चूरते हैं, फिर ये मिलाते हैं, दाल मिलाते हैं, फिर राजस्थानी कुछ भी खा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। क्या करते हैं वापस दुकान, दाल बाटी चूरते हैं। अच्छा, इसमें इसमें बाटी को चूर लेते हैं पहले, फिर गुड़ डालते हैं, ये वाला राब सब्जी मिलाते हैं, फिर हाथ से खाते हैं। अच्छा गाइस, मुझे तो खैर ये पसंद नहीं है लेकिन यहाँ पे सबको बहुत पसंद है क्योंकि मैं उज्जैन से हूँ, एमपी से, तो मैंने बचपन से ऐसी चीज़ें खाई नहीं है तो मुझे समझ ही नहीं आती ये चीज़ें, बट यहाँ सब बहुत चाव से मतलब शौक से जिमते हैं। इसे राब बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं ना, इसमें जो बाटी होती है बाटी के ऊपर इसको डालते हैं, फिर दाल बाटी को चूरते हैं, फिर इसको, अच्छा बाटी को चूरते हैं और फिर हाँ चूरमा बनाते हैं, उसके बाद इसको डालते हैं ऊपर से, फिर उसमें ही दाल भी डालते हैं। क्या खाते हैं यार भगवान। तो गाइस ये स्पेशल चूरमा है जो आपको हड़ौती रीजन में तो स्पेशली दिखेगा ही सही। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने पापड़ बना लिए हैं और ये पापड़ वाकई बहुत टेस्टी बने थे। कि उसका रीज़न ये है क्योंकि जो साजा बनता है ना उसी के टेस्ट से पता चल जाता है कि पापड़ कैसे बनेंगे। तो हम लोगों ने सबने ही साजा खाया है बना के, उसके बाद फिर पापड़ बनाए हैं। तो साजा जब इतना टेस्टी है तो पापड़ बहुत टेस्टी हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार यदि मक्के के पापड़ बनाते हैं तो इस रेसिपी के साथ बनाइए और अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मक्के के पापड़ कैसे लगे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।